हेलो बेटा, क्या हाल चाल? चलो आगे बढ़ते हैं यार। तो लेंस में हमने काफी कुछ कर लिया था। आज हम जो डील करने वाले हैं लेंस में, वो हम दो चीजें डील करेंगे लेंस में। एक तो आज हम डील करेंगे कि फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है, बेसिकली ये तुम्हें स्कूल में प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे इसके, और मतलब तुम्हें ऑप्टिकल बेंच होती है, मैं थोड़ा अभी डिटेल आपको बता दूंगा किस तरह का है, कैसे कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है। बट एक चीज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तुम पहले समझो, याद करो हमने एक न्यूटन फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है? मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ आपको, थोड़ा उसके एक छोटा सा टर्म्स यूज करते पहले। न्यूटन फॉर्मूले में क्या था कि अगर एक मैं मान लो यहाँ पे कोई लेंस मान लेता हूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये है ना, सपोज इसका फोकस यहाँ पे, ठीक, और इसका सेकेंड फोकस यानी इस तरफ वाला फोकस यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की। तो ये डिस्टेंस याद है हमको क्या थी हमारी, एक्स वन, और ये डिस्टेंस हमें याद है क्या थी, एक्स टू। ये बात अंडरस्टैंड हो रही है? इमेज में यहां बना रहा हूं, इसका मतलब है कि ये जो इमेज बन रही होगी वो रियल बन रही होगी। ओके, ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट रियल होगा, ये बात पक्का समझ में आ रही है। यानी एक रियल ऑब्जेक्ट है और एक रियल इमेज है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। छोटा सा क्वेश्चन है, नीट में ज्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने की, कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, इस रियल इमेज बन रही और रियल ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, ये कैलकुलेट करना। मैं थोड़ा इसको मैथमेटिकली डील करूंगा और वो तुम्हें समझ आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ना, और इसका आगे डिस्प्लेसमेंट मेथड में यूटिलाइजेशन करूंगा, इसलिए इसको यहां पे बता रहा हूं। आप एक बात समझो, आप मुझे बताओ ये जो x1 है ये एक नंबर है, इसका पॉजिटिव नंबर डिस्टेंस है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक नंबर है, ये भी पॉजिटिव। तो एक मैथ्स में छोटा सा टर्म यूज होता है, नीट वाले बच्चे थोड़ा इसको बस याद रख ले, कि अगर दो नंबर x1 एंड x2 ये दोनों पॉजिटिव है तो इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन am यानी कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये थोड़ा मैथ्स में आता है एपी जीपी एचपी में। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, अगर दोनों नंबर कैसे हैं, ये बोथ नंबर आर पॉजिटिव, ये बात समझना। अब दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है दो नंबर मान लो x1 और दूसरा नंबर x2 है डिवाइडेड बाय 2, ग्रेटर और इक्वल टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, अगर दो नंबर है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट ले लो, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये हुआ। तो अगर ये तीन नंबर होंगे तो क्या करो, x1 x2 x3 और इसका क्यूब रूट ले लो, बात समझ में आ रही? तो यहां पर हमारे पास दो नंबर है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ x1 x2, बात समझ में? ये तुम्हें याद रखना है, दो नंबर का तुम्हें कभी यूज नहीं होना है। बट न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो मुझे इस जगह पे बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन लगा, दैट्स व्हाई मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूं, ठीक है? और बहुत बड़े कैलकुलेशंस नहीं करना चाह रहा हूं, तब मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है? तो मुझे बताओ ये जो नंबर लिखा है ये मैं लिख लिया, ये बताओ ये क्या है? अगर न्यूटन फॉर्मूला याद हो आपको तो हमने लिखा था एफ स्क्वायर, अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है तो वो हो जाएगा एक्स वन एक्स टू, तो एक तरह से f क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x1 x2। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैंने ज्योमेट्रिक मीन क्यों लिखा है। अब जरा सोच के देख, अगर ये नंबर है तो उसकी जगह मैं क्या f लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, तो x1 plus x2 divided by 2 is greater or equal to f, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जरा सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो यहां से लिख सकते हो x1 plus x2 is greater or equal to 2f, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। तो न्यूटन फॉर्मूले से यूज करके निकालना, आप जरा सोचो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी कितनी है f, ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितनी है f। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये रियल इमेज है और ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस इनके बीच ही कितनी होनी चाहिए, तो d बिटवीन o i दिस इज इक्वल टू, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बताओ, x1 plus f प्लस एफ प्लस एक्स टू, दैट मीन्स एक्स वन प्लस एक्स टू यहां ले आओ और प्लस टू एफ,
ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, कोई डाउट तो नहीं। अब जरा देखो ये डिस्टेंस है ओ आई के बीच की, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस हमारी निकल के आ रही है, तो मुझे बताओ ये नंबर कहां गया, ये वो किससे बड़ा है, 2f से। सिंपल बात है, ये नंबर अगर 2f से बड़ा है और ये 2f है, तो सोच अगर इस नंबर की जगह तुम ये रख देते हो तो क्या ये नंबर इक्वल भी है 2f के? तो क्या ये नंबर हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन आई ओ इज ग्रेटर और इक्वल टू 2f प्लस 2f, दैट मींस दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 4f। सोच के देखो पहले मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, यानी अगर एक रियल ऑब्जेक्ट और एक रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस कही जाए तो या तो 4f होगी या 4f से ज्यादा होगी। मैंने इस क्वांटिटी को किससे रिप्लेस कर दिया, 2f से। ये नंबर हमेशा 2f से ज्यादा होता है, पक्का ना, देख लो ना यार, अगर तुम 2f रखते हो यहां पे तो क्या ये इक्वालिटी आ जाएगी। लेकिन वो केस सोचो जिस समय 2f से ज्यादा होगा तो क्या ग्रेटर देन आएगा, तो क्या हो सकती है रिक्वायरमेंट वाली, 2f से बड़ा या 2f से ज्यादा, क्योंकि ये नंबर किसी भी तरह का हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा तो क्या इक्वालिटी हो जाएगी, तो अगर डी ओ आई की मिनिमम बात की जाए तो दिस इज इक्वल टू 4f, लेकिन अगर इन जनरल बात की जाए तो वो 4f से ज्यादा होनी चाहिए। तो कम से कम डिस्टेंस कितनी हो सकती है एक रियल ऑब्जेक्ट और एक रियल इमेज के बीच में, 4f से, ये मिनिमम है, f इज अ फोकल है। आई थिंक ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो, यहां पर मैंने इसकी जगह वैल्यू जो रखी है ना वो 4f तो मिनिमम इक्वलिटी लेके रखी, लेकिन इसकी वैल्यू 2f से ज्यादा तो हो सकती है ना, जब 2f रखोगे तो इक्वलिटी आ जाएगी, लेकिन अगर 2f से ज्यादा रखते हो, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कई बार लोग इसको ऐसे करते हैं कि यहां पे इक्वलिटी लगा देते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे लिख देते हैं, तो ये मिनिमम का केस है। लेकिन जिस केस में इसकी वैल्यू, जिस केस में इसकी वैल्यू 2f से ज्यादा होगी तो उस केस में ये वैल्यू 4f से ज्यादा नहीं हो जाएगी। तो अगर मैं जनरलाइज लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि DOI इज ग्रेटर और इक्वल टू 4f ना, तो ये थोड़ा अलग से भी लिख लेना अगर कोई डाउट हो तो। कई बार लोग इसको समझते हैं इसकी वैल्यू 4f रख दी गई, इक्वलिटी लगा ली गई, तो ये तो मिनिमम हुआ ना, जिस समय ये नंबर 2f से ज्यादा होगा तो ये नंबर 2f से ज्यादा होगा कि नहीं, ये किसके इक्वल है, तो ये नंबर किसके ज्यादा होगा, 4f से ज्यादा होगा, तो दैट्स व्हाई मैंने ऐसे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अब आपको याद रखना है कि एक रियल ऑब्जेक्ट और एक रियल इमेज के बीच की कम से कम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4f, या आगे आएगा और समझाऊंगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें यूज करते हैं हम लोग न्यूटन डिस्प्लेसमेंट मेथड से किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है। एक्सपेरिमेंटल, इसमें कोई बहुत लॉजिकल बड़ी चीज नहीं है, बट ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि आजकल तो हमारे किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तुम देखते हो अगर तुम कभी भी अपना चश्मा बनवाने जाओ तो वहां पे वो तुम्हें थोड़ी ना ऐसे डिस्प्लेसमेंट मेथड से उसकी फोकल लेंथ निकालते हैं, वो एक मशीन में लेंस को इंसर्ट करते हैं और वो बता देती है मशीन की उसकी फोकल लेंथ कितनी है। बात समझ में आ रही है, लेकिन जब सोचो पहले किसी के पास कोई मशीनरी नहीं थी तो वो कैसे फोकल लेंथ निकालते होंगे किसी भी लेंस की, आपको ये बात सोचनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड से हमें क्या निकालना है, हम लोग यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड जिससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है किसी भी लेंस के फोकल लेंथ का, वो समझो। आपने पहले मैं थोड़ा आपको रफ आइडिया दे देता हूं ताकि आपको एक बात समझ आए, बाद में मैं इसको डील करूंगा, थोड़ा सा आइडिया ले लो पहले। एक ऐसी ऑप्टिकल बेंच होती है जो आप अपनी लैब में देखोगे, फिजिक्स की लैब में, ये एक ऐसी ऑप्टिकल बेंच होती है, ठीक है। इस ऑप्टिकल बेंच में यहां पे ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, मतलब ये इस तरह से बने होते हैं, स्केल लगा होता है एक तरह से, ऐसे देखा जाए ये स्केल लगा हुआ, थोड़ा समझ लो, मैं थोड़ा एक आइडिया दे देता हूं, थोड़ा टाइम लगेंगे बट तुम्हें रियलिटी में फील आ जाएगा। ये ऐसे इस पे स्केल बना होता है, ऐसे इस पे नंबर्स लिखे होते हैं, है ना, व्हाटएवर 1 2 3 4 5 जो भी लिखो, ठीक। इसके ऊपर ये स्लाइड करने के लिए कैसे बनाया जाता है तुम समझना, इसके ऊपर क्या होता है,
कि यहां पे मैं थोड़ा 3D डायग्राम को आपको विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे कैसे स्लाइडर लगा होता है। अब तुम्हें पता नहीं ये कहां पे किस पोजीशन पे, अगर मान लो ये 0 है तो ये कुछ 1 है, ये कुछ 2 है, ये कुछ 3, ऐसे आगे नंबर चलता चला जाए पक्का। यस, यहां पे ऐसे एक स्लाइडर लगा होता है, ये स्लाइडर है जो इस बेंच के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। और यहां पे एक स्लाइडर लगा दूं, मान लो सपोज ऐसे। अब तुम एक बात सोच के देखो, वो करते क्या है, ये जो स्लाइडर्स लगे हुए हैं इनमें एक पिन लगा देते हैं, इस तरह की एक पिन लगा देते हैं। ये 3D विजन है, थोड़ा तुम्हें 2D में बना रहा हूं तो थोड़ा सकता है थोड़ा क्लियर रहे। एक पिन लगा दी गई और इसके ऊपर हमेशा एक लेंस लगा दिया जाता है। लेंस किस तरह का, सपोज ये ऐसे लेंस लगा दिया गया, ये ऐसे इस पे लेंस लगा दिया गया और इस पे भी एक पिन लगा दिया गया। अब हम क्या करते हैं, ये पिन लगा दी जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड का, ये पोजीशन फिक्स कर ली गई, ओके। लेंस की पोजीशन को ये ली गई, ये मान लो पोजीशन लेंस की ली गई, ठीक है। और इस पिन के ऊपर तुमने देखा होगा क्या, इवन दैट तुमने किया भी होगा, अगर दिन चले तो थोड़ा सा तुमने कराया गया होगा, इस पिन के ऊपर हम यहां आई साइट लगा दें, ऐसे मतलब हम इस तरह से आई साइट लगा के इसको देखते हैं, तो इस वाली पिन की इमेज इसके ऊपर इस तरह से बन जाती है। ये किसकी इमेज है, ये इस वाले पिन की इमेज बन जाती है पक्का। जहां ये इमेज में बना लेता हूं तो ये पॉइंट मेंशन होगा कि नहीं होगा, तो इसको भी फिक्स कर लेते हैं। पहली इमेज बनाने के बाद ध्यान रखना, ऐसे लेंस लगाए, ये लेंस है हमारा और ये पिन थी और ये दूसरी पिन थी, तो हमने ऐसे इसके ऊपर देखा तो इसकी इमेज इसके ऊपर बन रही। जैसे ही इमेज जहां पे पहले इसको स्लाइड करते हैं, लेंस को कहीं पे रखते हैं और ये फिक्स कर दिया, जैसे ही इमेज बन गई तो इसको भी फिक्स कर दिया, इसको भी फिक्स कर दिया पक्का। कौन सी दो चीजें फिक्स हो गई, ये और ये। आप सोचो अगर ये लेंस की ये पॉइंट तो हमें पता ही होगा ना, मैं और भी बता रहा हूं बाद में इसको सॉल्व करूंगा, ये पॉइंट हमें पता है लेंस का। तो सोच ये डिस्टेंस क्या होगी यू और ये डिस्टेंस क्या होगी वी। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है। ये एक बार करने के बाद फिर तुम क्या करते हो, इसको स्लाइड कर दो, इन दोनों को फिक्स रखते हो, इसको स्लाइड कर दो। अगर इसको स्लाइड करके मैं यहां ले आऊं, प्लीज बात समझना, इसको स्लाइड करके अगर मैं यहां ले आऊं, अगर इसको मैं यहां ले आऊं स्लाइड करके, ठीक है, जल्दी समझना, और फिर मैं यहां पे आई साइड लगाऊं तो अभी भी इसकी इमेज इसी के ऊपर बननी चाहिए, इसी जगह पे बननी चाहिए। तो ये मैंने इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस कर दिया, यहां से ये मैंने इसको डिस्प्लेस किया। ये डिस्टेंस मान ली जाती है सपोज स्मॉल डी है, बट बताओ ये सब कुछ किस पे रखा है, ऑप्टिकल बेंच पे, और ऑप्टिकल बेंच पे स्केल लगा है, तो ये पोजीशन कुछ होगी और फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे यहां पर डिस्प्लेस करेंगे तो ये भी पोजीशन तो हमें मिल जाएगी। तो ये क्या है, लेंस का डिस्प्लेसमेंट पक्का। अब यहीं पे इमेज मिल रही है, इसका मतलब अब ये क्या हो गया, अगर तुम इसको ध्यान दो तो ये चीज अब क्या हो गई, अब हो गई यू पक्का, इसको यू डैश मान, ठीक है ना। और अब ये डिस्टेंस क्या हो गई, वी डैश। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बताओ लेंस तो वही है ना, उसकी फोकल लेंथ तो चेंज हुई नहीं पहले। अब देखो ऑप्टिकल बेंच पे तुम्हें ये वाली पोजिशन पता होती है, ये वाली पोजिशन भी पता होती है, ये वाली पोजीशन भी पता होती है, तुम्हें बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन मत रखना यार, ठीक है ना। देख यू वी तुम्हें पहले से पता है, यू डैश वी डैश तुम्हें पहले से पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसका निकाल लेते हैं, ये ऑप्टिकल रेंज पे निकालने का तरीका होता है। बट इसका प्रूफ आता है, पहले मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दिया है कि भाई डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या चीज है, उसको कैसे निकाला जाता है। अब ये मैंने बोर्ड में बनाया तो तुम्हें ऑप्टिकल बेंच थोड़ी ऐसे लग रही होगी, ऑप्टिकल बेंच कैसी होती है, ऐसी है ना, एक ऑप्टिकल बेंच ऐसे तुमने बना ली, इस पे यहां पे एक पिन लगा ली, यहां पे एक पिन लगा ली और बीच में क्या लगा ले, लेंस, यहां पे आई साइड लगाई तो इस पिन की उल्टी इमेज इसके ऊपर बन जाती। फिर इन दोनों को हमेशा फिक्स्ड कर लेते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, फिक्स्ड कर लेते हैं। फिर लेंस को बीच में थोड़ा शिफ्ट करते हैं, हो सकता है थोड़ा आगे या हो सकता है थोड़ा पीछे, तो इसीलिए बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्योंकि तुम लेंस को क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस करके
फर्दर इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके ऊपर बना रहे हो, ये चीज है। तो ये आपको एक बेसिक मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, बाकी अभी इसका कैलकुलेशन करने के लिए डायग्राम चेंज करूंगा, उसको कैसे बनाना क्या करना है वो अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जब ये कैलकुलेशन करते हैं तो जो पिन होती है ना उसको हम स्क्रीन मान लेते हैं, कैसे वो आपको समझाता हूँ, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये तुम्हें लैब में देखने को मिलेगा ऑप्टिकल बेंच, और इस तरह से इसके कैलकुलेशन होंगे, ओके बेटा। अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और इसका जो वर्किंग डायग्राम है वो बनाता हूं। ये एक सिंपल डायग्राम था जो कि तुम्हें रियल में ऐसा पिक्चर नजर आता है लैब में, ओके। चलो अब देखते जरा और उससे थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग डायग्राम क्या होगा वो थोड़ा हमें ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन तुम्हें इतनी बात पता चल गई कि डिस्प्लेसमेंट में हम ऑब्जेक्ट और इमेज जो उसकी बन रही होती है उसको शिफ्ट नहीं करते। एक बार एक ऑब्जेक्ट की लेंस की एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जिस जगह पे इमेज बन गई तो वो दोनों चीजें यानी ऑब्जेक्ट और जहां पे इमेज बन रही होगी वो दोनों पोजीशन को हमेशा फिक्स्ड कर लिया जाता है। फिर लेंस को डिस्प्लेस करके देखा जाता है कि फर्दर हमें उसी इमेज के ऊपर दोबारा उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड इस प्लेस को बोला जाता है। आप समझो जरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे प्लीज इसको ध्यान देना, मैंने इस जगह पे स्क्रीन लगा दी, ठीक है, क्या लगा दी, स्क्रीन। इस स्क्रीन पे हमेशा हमेशा इमेज मिलेगी क्योंकि हमें रियल इमेज चाहिए तो हमें स्क्रीन ऐसे लगानी पड़ेगी। तो मैंने ये स्क्रीन लगा दी, पक्का अंडरस्टैंड करना। और मैंने क्या किया कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट, और यहां पे मैंने लगा दिया एक लेंस। प्लीज अंडरस्टैंड करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, आपको ये मेंशन करा जाता है कि जहां पे आपने स्क्रीन लगाई है, सब याद करो, जब हमने ऑप्टिकल बेंच पे लगाई थी तो यहाँ पे पिन लगी थी ना, पिन के ऊपर इमेज देख रहे थे। अब यहाँ पे स्क्रीन लगा दी, उससे कोई ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी होती है, और ये कैपिटल डी डिस्टेंस तुम्हें पता होती है क्योंकि ये सब कुछ ऑप्टिकल बेंच के ऊपर होता है और ऑप्टिकल बेंच के ऊपर हमें वो सब स्केल लगा होता है, तो हम पता कर सकते हैं कि जो सेकेंड पिन है या जो स्क्रीन है वो कहां पे रखी है, हमें उसका आइडिया होता है, पक्का। अब मैंने माना कि ये डिस्टेंस और इसकी फोकल लेंथ f है जो हमें फाइंड करनी है, अभी हमें दी नहीं गई, वो फाइंड करनी है। लेकिन हमें इतना पता है कि इससे डिस्टेंस है इसको मैं u मान सकता हूं, और जो ये डिस्टेंस है इसको मैं v मान सकता हूं, और v हमारा हो सकता है d माइनस u। आई थिंक इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है, ये बात सबको समझ में आ रही है। अब जरा लेंस का फॉर्मूला याद करो जो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, 1/f = 1/v - 1/u, इसकी वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन तो पहले से रख दिया है, 1 अपॉन v की जगह क्या रखोगे, 1/d - u - 1/u। कोई इसमें डाउट किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, ये बहुत आसान चीज हो तो भी समझ में आना चाहिए। अभी कोई साइन कन्वेंशन कुछ नहीं डाल रहा है, लॉजिकल केवल बात समझ रहे हैं, ओके। अब जरा सोचो, अगर तुम यहां पे ध्यान से ध्यान देना, चाहो तो साइन कन्वेंशन डाल दो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर तुम ये v जो है पॉजिटिव है इस पे डाल दो, ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव, ये ऐसे आ गया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी यहां पे प्लस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ओके। चलो अब d माइनस u और u मैंने नीचे से ले लिया, तो ये से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया u, अंडरस्टैंड हो रहा, ये कितना आ गया u आ गया, और प्लस इधर क्या हो जाएगा d माइनस u, आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और ये हम क्या लिख सकते हैं, सिंपलीफाई कर रहे हैं केवल एक ही क्वेश्चन को, देखो यहां से u और u कैंसिल आउट हो गए, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो देखो जरा तुम क्या लिख पाओगे इसमें, इसमें लिखोगे d u माइनस यू स्क्वायर, फिर से देखो और f इधर आ गया तो d में मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज इक्वल टू डी एफ। आई थिंक इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है। इसको उस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस बल्कि माइनस डी यू और प्लस डी एफ इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, किसमें क्वाड्रेटिक आ रही है, यू में, द्विघात समीकरण, ये बात सबको समझ में आती है। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, यहां तक कोई समस्या नहीं है, पक्का। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसी इक्वेशन है कि भाई यू स्क्वायर माइनस डी यू और प्लस डी एफ इज इक्वल टू जीरो, पक्का। डी क्या है, पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी और जो स्क्रीन पोजीशन थी उनके बीच की वो फिक्स डिस्टेंस है, इज अ कांस्टेंट नंबर। आप सोचो यहां से तुम ये बात कह सकते हो कि अगर यू में क्वाड्रेटिक है
जैसा कि तुम पहले पढ़ते आए हो, फिर थोड़ा मैं मैथमेटिकली डील करूं तो मजा आएगी, कि एक ऐसी इक्वेशन तुमने पढ़ी है, ये द्विघात समीकरण होता था और इसके रूट होते थे अल्फा एंड बीटा, याद आ रहा है कि नहीं? तो एक्स की दो वैल्यूज होती थी अल्फा एंड बीटा, जिसके लिए वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये दो अलग अलग रूट हो, उसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इक्वलिटी लगाने के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाते थे, लेकिन अगर इक्वलिटी नहीं लगा रहे हो तो अल्फा बीटा अलग अलग होगी, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव नहीं होता था तो फिर वो रूट डिफाइन नहीं होते थे, वो इमेजिनरी रूट होते थे। ऐसा हम लोग कर चुके और ये बात हमें 10th क्लास में पढ़ाई जा चुकी है। तो अच्छा, यहां यू में क्वाड्रेटिक है, तो अगर इसके दो u की वैल्यू आए यहां से, सपोज मान लो u1 एंड u2, अगर दो इसके रूट है तो ये रूट तो तभी पॉसिबल है ना जब इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं जीरो होना चाहिए। देखो जरा सोच के देखो, तो इसका b स्क्वायर, b की जगह क्या लिखा है d, तो d स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 लिखा है d into f, आराम से समझ लो पहले। और ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अगर इक्वल हो गया तो u1 u2 इक्वल हो जाएंगे, बात समझ में? तो जरा यहां से ध्यान दो, तो d और d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि d माइनस 4f इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 4f। अब यार यहां से एक बात समझो, ये भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, d क्या है? d है डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी इमेज तो स्क्रीन पे ऐसे ही बन रही होगी ना, ये बात तो समझ में आने की नहीं आ रही, स्क्रीन पे इसकी इमेज बनेगी तभी तो है। तो अब सोचो जरा, डिस्प्लेसमेंट मेथड वैलिड तभी है जब ऑब्जेक्ट और उसकी जो रियल इमेज है उनके बीच की डिस्टेंस कम से कम 4f से ज्यादा होनी चाहिए, या कम से कम 4f के इक्वल होना चाहिए। अगर 4f के इक्वल हो गया तो फिर u की एक ही वैल्यू आएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस की एक ही पोजीशन के लिए बन रही होगी। लेकिन अगर तुम्हें लेंस की दो पोजीशन चाहिए तो बताओ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 4f से ज्यादा। नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि कई बार वो पूछते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड वैलिड है तो उसमें चार ऑप्शन बना देते हैं कि स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर देन 4f, इक्वल टू 4f, लेस देन 4f, नन ऑफ दीस, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो सोचो अगर हम स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किससे ज्यादा होनी चाहिए, ये केवल इसलिए तुम्हें समझाया है। पक्का समझ आया कि नहीं है? अब और थोड़ी जरा बातें ध्यान दो, ये जो कमाल है ना यू वन और यू टू, यहाँ पे मैंने लिखा है, बट इस डायग्राम में मैं दोबारा से बनाऊंगा ताकि तुम्हें थोड़ा प्रॉपरली समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। बट ये सारे कैलकुलेशन मैंने क्यों किए, इस डिस्क्रिमिनेंट के लिए। पक्का कम से कम तुम्हें ये फील आए कि भाई हाँ दो रूट उसके होते हैं, ठीक है। अब जरा देखो इसका और एक डायग्राम मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ ताकि तुम्हें प्रॉपरली समझ आए, इतना क्लियर हुआ सबको? अब मान लो डायग्राम मैं चेंज कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, ठीक है, ये हटा रहा हूं, इतना सबको समझ में आ गया होगा, पक्का? अच्छा, यानी ये समझाने का मतलब तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेथड तभी वैलिड है जब स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस उसकी फोकल लेंथ से चार गुना या चार गुना से ज्यादा होनी चाहिए। पक्का गुड आउट नहीं है? ओके, अब चलो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, वो वैल्यू वहां लिखी हुई है और ये इक्वेशंस भी हमें याद रखनी है, बट डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, इसको हटाता हूं, इसको हटाता हूं। ओके, ये तो मैंने केवल बेसिक कैलकुलेशन के लिए किया। मैंने माना कि जब कोई क्वेश्चन मेरी आ चुकी है तो एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, यानी अगर मैं इस पोजीशन का नाम लूं तो दिस पोजीशन इज यू वन, पहली पोजीशन के लिए यहां पे इमेज बन रही है और उसके लिए ये पोजीशन है वी वन के बराबर, यानी इमेज तो यही बन रही है ना, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, आई वन इमेज बन गई। पक्का अब इन दोनों को तुमने फिक्स्ड करके रखा है और लेंस को फिर शिफ्ट करते हो, तो अगर तुम लेंस को शिफ्ट करते हो और शिफ्ट करके सपोज लेंस को यहां ले आते हो और ये शिफ्टिंग जो है वो मैं मान रहा हूं कि स्मॉल डी है, कितनी शिफ्टिंग करी लेंस की, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैं क्या बोल रहा हूं, दिस शिफ्टिंग इज स्मॉल डी, आई थिंक ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात समझ में। अब जब ये शिफ्ट हुआ तो ये लेंस की इस ऑब्जेक्ट से पोजीशन चेंज हो गई, तो अब ये पोजीशन को मैंने नाम दिया यू टू, क्या नाम दिया यू टू, और अब इमेज यही बन रही होगी, मान लो इमेज इस जगह बन रही,
थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो डिपेंड करेगा छोटी बड़ेगी बड़ी बड़ेगी वो अलग बात है। तो मैं इसको मान लेता हूँ आई पक्का। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज वी टू, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ। अब इतनी बात तुम्हें समझ आ रही, यानी स्क्रीन पे बनने वाली जो इमेजेस हैं, ये दो इमेजेस हैं। साइज हम बाद में पता कर लेंगे, साइज का हमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मेन हमारे पास एक ही, वो तो अभी सब आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब सोच के देखो जरा, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, तभी तुम नजर आएगी। मैं देखो आंसर एक लाइन में निकाल दूंगा, मुझे उसकी कोई दिक्कत भी नहीं है और बहुत आसान होता भी है। वहां देखो जरा जो इक्वेशन वहां लिखिए, वो लिखिए यू स्क्वायर माइनस बी यू प्लस डी एफ इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं बोलूं कि इसके रूट यू वन एंड यू टू है, इसके दो रूट है यू वन एंड यू टू, तो बताओ सम ऑफ द रूट क्या होगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, यहां पे आओ इस जगह पे, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता था माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता था सी बाई ए, और इवन दैट अल्फा माइनस बीटा होता था डिफरेंस ऑफ द रूट, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। मेरे हिसाब से ये चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए, ये चीज हम लोग करते थे, ये याद ही रखना है तुम्हें, ये तो याद रख लो एटलीस्ट यार, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। तो यू वन प्लस यू टू कितना होगा, देख माइनस बी बाई ए माइनस बी, तो एक तरह से इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस, और ये डी की वैल्यू माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस डी बाई वन। यू की वैल्यू कितनी देखो जरा, सॉरी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू वन, यानी ये वन हो गया पक्का, तो यानी ये हो गया डी के बराबर। आराम से समझो डी के बराबर है भी नहीं पक्का, कोई डाउट नहीं है। डिफरेंस ऑफ द रूट ये लिखा है ना, ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे, बात समझना। यहां पर बताओ डिफरेंस ऑफ द रूट क्या है, अगर ये यू वन है और ये U2 है, देखो तो डिफरेंस ऑफ द रूट जो हम लिखेंगे, यानी अगर मैं लिखूं U2 माइनस U1 तो क्या वो D के बराबर है, ये है U2 और ये क्या है U1, तो डिफरेंस ये D तो। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं तो वो इस फॉर्मूले के इक्वल होना चाहिए, तो उस फॉर्मूले से इक्वल लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा जरा समझना। तो स्मॉल d इज इक्वल टू, प्लीज अंडरस्टैंड करना, अल्फा प्लस सॉरी U1 प्लस U2, देखो आप फॉर्मूले से देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है b / a, और उसकी वैल्यू क्या आ गई है तुम्हारी d, और यहां क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो रखो यहां पे इसका मतलब d का स्क्वायर माइनस 4 इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट। देख यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, ये क्या था, ये था सम ऑफ द रूट। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालूंगा, यानी मैं क्या निकालना चाहता हूं u1 into u2, तो वो किसके बराबर है यार, ये c है c / a, यानी वो बराबर है डीएफ के, प्लीज अंडरस्टैंड करना। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, फोर दिस इज फोर इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट, फॉर्मूला देखो डिफरेंस ऑफ द रूट इज इक्वल टू दिस ना, तो अल्फा इंटू बीटा, सिमिलरली यहां पे यू वन इंटू यू टू इज इक्वल टू डीएफ, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे डी इंटू एफ। मेरी बात तुम्हें समझ आई कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं। अब देख ये नंबर को अगर तुम स्क्वायर कर दो तो अपने आप सारी कहानी क्लियर होगी, देखो मैं करके दिखा, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा डी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस फोर स्मॉल सॉरी कैपिटल डी इंटू एफ, इसको इस साइड ले जाओ इसको उस साइड ले जाओ, तो फोर डी एफ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, इसको नीचे ले आओ तो एफ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर कैपिटल डी, दिस इज द आंसर। लोग इसको बहुत सारे तरीके से डील करते हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते हैं, बट मेरे मुझे लगता है कि ये सिर्फ सिंपलेस्ट वे है। तो सोचो अगर एक ऑप्टिकल ब्रिज पे तुम्हें क्या क्या पता हो, और ये चीज तुम्हें पता ही होती है क्योंकि अभी इसके पहले मैंने तुम्हें समझाया था, क्या पता होना चाहिए कैपिटल डी, कैपिटल डी है क्या ऑप्टिकल ब्रिज पे, रियल में जो प्रैक्टिकल होता है पहली पिन और दूसरी पिन, जो हमने यहां पे दूसरी पिन को स्क्रीन मान लिया है, बात समझ में आ रही, तो पहली पिन ये दूसरी पिन और लेंस कहां बीच, बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है कैपिटल डी पक्का, और वो तो तुम्हें वैसे भी पता होगी कैपिटल डी, उसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि ऑप्टिकल बेंच पे तो स्केल लगा होता है ना, तो पहली पिन जहां पे लगी होगी दूसरी पिन जहां पे लगी होगी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा कैपिटल डी के बराबर पक्का। फिर उसके बाद एक लेंस की पोजिशन के लिए तुमने देखा लेंस यहां रखा,
थोड़ी देर बाद जब तुमने लेंस को शिफ्ट किया तो पिन के उसी पिन की इमेज यहाँ पे बननी चाहिए, यानी पहले लेंस की पोजीशन के लिए ये, फिर लेंस की पोजीशन को शिफ्ट किया तब भी इमेज यहीं पे। ये बात अंडरस्टैंड हो रही कि नहीं हो रही बेटा? तो बताओ लेंस को जब तुम शिफ्ट करोगे और वो भी किस पे शिफ्ट करो, ऑप्टिकल बेंच पे, तो पहले अगर मान लो ऑप्टिकल बेंच पे सपोज मान लो 20 सेंटीमीटर पे रखा था और तुमने उसको शिफ्ट कर दिया सपोज मान लो 30 सेंटीमीटर पे, तो शिफ्टिंग कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, तो वो स्मॉल डी है, ये जो शिफ्टिंग है। तो देख तुम्हें कैपिटल डी भी पता है, स्मॉल डी भी पता है, तो बताओ उस लेंथ की फोकल लेंथ निकालोगे। इसीलिए ये चीज प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे उस ऑप्टिकल बेंच को बनाया जाता है। सोचो ना, जब पहले सब कुछ नहीं होता होगा तो लोग कैसे करते होंगे, तो एक्सपेरिमेंट किया। कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया? यहाँ पे क्या लगा, आई साइड लगाई और आई साइड पे पहले लेंथ ले लिया। तो ये कैलकुलेशन इस वजह से कैसे कराया जाता है, ये बात समझ में आ रही? ये बहुत आसान था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। यानी कभी भी अगर तुम्हें ऐसे बोला जाए, अब सोचो तुम्हें बोला जाए कि भाई स्क्रीन पे इमेज बन रही है, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस दी गई है, लेंस को शिफ्ट कर दिया जाए कि लेंस को आप मान लो पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट किया और शिफ्टिंग की जो वैल्यू है वो तुम्हें कुछ ना कुछ दे दी जाए, तो बताओ क्या उसकी फोकल लेंथ तुम निकाल सकते हो एक लाइन? ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में इसी तरह से हम लोग फोकल लेंथ वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वेरी इजी, आसान है। बट हम यहां तक इसको खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तुम यहां तक खत्म कर दोगे तो ये बोर्ड लेवल हो गया तुम्हारा, है ना। बट जो नीट या जेडब्ल्यू में जो क्वेश्चंस आए हैं, दो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस मेथड पे बेस्ड, क्या था वो, उसको थोड़ा समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ आ गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं? आज वो धीरे धीरे मैं करा रहा हूं, कोई इसमें जल्दबाजी वाली बात ही नहीं है, बट आप अच्छे से पहले इसको समझ लो, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली थी, ये सब हमें पता चल गया था, इसको थोड़ा हटा दिया और थोड़ा और बात समझ, तो मुझे एक बात बताओ यार, थोड़ा देखो एक चीज समझना है कि इसकी और इसकी पोजीशन चेंज नहीं की गई, फिर भी यार रिजल्ट में मतलब वही सब फोकल लेंथ आ रहा है, वही सारी बातें आ रही है, थोड़ा ये बात तो समझने लायक बनती है ना कि क्या है आगे। तुम एक बात बताओ, अगर मैं एक कैलकुलेशन करूं थोड़ा, कि मैंने तुमसे कहा यू वन प्लस यू टू इज इक्वल टू कैपिटल डी है जो मैंने कैलकुलेट किया है ना, अच्छा इसको भी तो देख सकते हो ना यार, इसके बारे में तो हमने आगे तक हमें आंसर निकाला था, मैंने कर दिया, बट इस डेटा को भी तो उठा सकते हैं ना, तो इससे मैं क्या उठाऊंगा, यू टू माइनस यू वन स्मॉल डी, अंडरस्टैंड करना थोड़ा, मैं कैलकुलेशन पे जा रहा हूं तो भी मजा आएगी, ये बहुत बढ़िया चीज है ना। तो मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कट जाएगा, कर दो ऐड करो इसको, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमारा बचेगा टू टाइम्स यू टू is equal to d plus small d, यानि u2 हमारा बचा capital D upon small d by 2, कोई doubt नहीं है, पक्का u2 था। अब इस u2 के corresponding में v2 निकालता हूं, ठीक है, तो v2 क्या होगा, ये v2 चाहिए तो d minus u2 कर दिया जाए, पक्का, तो capital D minus u2 की value है क्या, d plus small d by 2, यही तो u2 तुमने निकाला, ओके आप जब इसको सिंप्लीफाई करो ये चला जाएगा, तो 2d माइनस स्मॉल d माइनस d डिवाइडेड बाय 2, पक्का ये d से d गया, दैट मींस ये वैल्यू कितनी आ गई, ये और ये माइनस हो गए, तो यानी कि कैपिटल d माइनस स्मॉल d बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू, ये दो बातें तुम्हें अभी पहले ध्यान देनी है और इनको समझना है। ये तो चीज समझ में आ रही, यानी U2 के करस्पॉन्डिंग उसकी जो इमेज डिस्टेंस वो निकाले मैंने, कोई डाउट तो नहीं है ना, आप जरा थोड़ा और समझते हैं और दिमाग लगा रहे हैं। अगर इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, वन प्लस यू टू इज इक्वल टू कैपिटल डी, यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू माइनस सॉरी स्मॉल डी, अगर सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, पक्का। अब इसको जरा देखते हैं, तो ये नंबर उड़ गया और यहां क्या बचेगा, 2u1 is equal to small d minus capital D, तो u1 कितना आया, u1 आया capital D minus small d by 2, अच्छा ये था हमारा u1, तो अगर v1 निकालना है तो हम capital D से u1 subtract करते तो v1 निकल आए, ओके तो जरा v1 निकालते हैं, v1 is equal to capital D minus u1, आंसर यहां दो minus of d माइनस यू बाई टू, पक्का, तो यहां एलसीएम ले लो तो ये आ गया 2d, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी d प्लस स्मॉल d
बाई टू, ये है वी वन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये और एक ये। अब तो ढंग से जरा इसको अगर ऑब्जर्व करेगा तो ही मजा आएगी, है ना। ये बड़ी चीज नहीं है बट समझने वाली चीज है कि आपको उल्लू कैसे बना रही है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो समझने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है और आपको उल्लू बना के फोकल लेंथ भी निकालनी है। तो समझो ना कैसे उल्लू बनाया, एक ढंग से देखो, जो यू वन यू टू है वही वी वन है, समझ आया। अच्छा, जो वी टू है वही यू वन है, मतलब उन्होंने किया क्या है, तुम जरा समझो। मैंने इसीलिए कैलकुलेट किया ताकि तुम्हें ये फील आए कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ये लेंस की पोजीशन थी, ये वी वन था, अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। अब देख, जब लेंस को शिफ्ट किया तो ध्यान क्या रखा, जो वी वन था वो यू टू बना दिया, देखो ना नालायको बना दिया कि नहीं बना दिया, और जो यू वन था उसको वी टू बना दिया। तो अल्टीमेटली कुछ हुए, तभी तो इमेज वही बन रही है, तभी तो वही बन नहीं पा रही है, क्योंकि तुमने इंटरचेंज किसको कर दिया, जो पहले यू वन था और जो पहले वी वन था उसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब वी वन को बना दिया यू टू और यू वन को बना दिया वी टू, तो बात तो वही है, तभी तो तुम्हारा वही आंसर आएगा ना। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ पक्का। अब सोच, आईआईटी वालों ने यहां से एक, उन्होंने इस चीज को पकड़ा और पकड़ के एक छोटा सा लॉजिक लगाया। क्या लॉजिक लगाया, उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा मानो कि पहले इमेज की हाइट h1 है और दूसरे इमेज की हाइट h2 है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट h है, उन्होंने तो बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, तुम्हें समझाता हूं। पहले इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कोई डाउट तो नहीं, अब ध्यान से समझना, यहां ध्यान देना। उन्होंने कहा कि बेटा इस चीज को एक और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया था, आईडी में आया था वो क्वेश्चन, देखो क्या किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले वाले इमेज के लिए अगर मैग्निफिकेशन लिखूंगा, दिस इज एम वन, तो इसको क्या लिखूंगा, एच वन अपॉन एच, ये तो मैग्निफिकेशन होता है। अच्छा, दूसरे वाले के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, दूसरा भी ऑब्जेक्ट तो यही है ना, उसकी इमेज क्या, एच टू, तो उन्होंने कहा इसको लिखा एच टू बाई एच, ठीक बात समझ आ रही ना। अब उन्होंने कहा कि जरा मैग्निफिकेशन निकालो एम वन इंटू एम टू, उन्होंने कहा एच वन बाई एच इंटू एच टू बाई एच, ये मैग्निफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट नहीं है यार, प्लीज पक्का समझना, ये मैग्निफिकेशन मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, लेकिन प्लीज रुकना एक मिनट, इस मैग्निफिकेशन में एम वन इज इक्वल टू एच वन बाई एच, ये भी तो होगा वी वन बाई यू वन, ये भी तो होगा, ये भी तो हम पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, और देखते हैं, एम टू इज इक्वल टू क्या, एच टू बाई एच इज इक्वल टू वी टू बाई यू टू, अब ध्यान समझना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख इसकी वैल्यू क्या, वी वन की वैल्यू क्या, कहां रखी है वी वन की वैल्यू, ढंग से देखो क्या लिखो, डी माइ सॉरी डी प्लस स्मॉल डी बाई टू डिवाइडेड बाई यू वन, यू वन कहां गया, कहां गया, ये देख क्या लिखेंगे इसको, डी माइनस स्मॉल डी बाई टू, टू से टू तोड़ गया तो अल्टीमेटली क्या आया, क्या कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, पक्का। अब जरा इसको देखो, ये कहां आएगा, v2 क्या, v2 है ये, तो d माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाई टू अपॉन u2 क्या हुआ, ये देख d प्लस स्मॉल d बाई टू, टू से टूट गया तो क्या आ गया, d माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाई d प्लस स्मॉल d, प्लीज अंडरस्टैंड करना। देखिए किसकी वैल्यू, m1 m2 की, और यही h1 बाई h और h1 बाई h और h2 बाई h, तो जब जरा देख इनको जब मल्टीप्लाई करेगा तो h1 by h into h2 by h किया, और ये नंबर भी तो मल्टीप्लाई होंगे ना, अरे यार समझ आ रहा है नहीं यार, तो अगर ये पूरा लिखा जाए तो हम ये भी तो लिख सकते हैं v1 upon u1 into v2 upon u2, और इनकी वैल्यू देखी जाए तो यही तो आ रही है, तो क्या लिखेगा, d plus small d upon d minus small d into d minus small d upon d plus small d, आई थिंक इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये है तो देख ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन, बोलो कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का। तो जरा सोच के देख, ये वाले टर्म्स तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, अब ये वाला टर्म बताओ, ये वाला तो क्या लिखोगे, एच वन इंटू एच टू
डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी यहां से तुम लिख सकते हो एच वन इंटू एच टू इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बेटा इस पे कम से कम दो या तीन क्वेश्चन आ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मेरा पूरा पॉइंट समझ आया होगा कि मैं तुम्हें क्या यहां से समझाना चाहता था, इस वजह से मैंने ये पॉइंट उठाए और ये चीजें दी। क्वेश्चन कैसे पूछा गया ढंग से सुनना, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। देख क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मैं तुम्हें बताता हूं। उन्होंने कहा कि यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है और सपोज इधर स्क्रीन लगी है, ठीक है, और बीच में कॉन्टैक्ट लेंस है। उन्होंने कहा इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की जो स्क्रीन पे हाइट है वो सपोज उन्होंने कहा कि 20 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा लेंस को थोड़ा डिस्प्लेस कर लिया गया, थोड़ा डिस्प्लेस कर लिया, कितना कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा फिर जो हाइट बन रही है वो 30 सेंटीमीटर बन रही है। कितनी बन रही? 30 सेंटीमीटर। तो बताओ इमेज की हाइट क्या? खत्म। अब बच्चा डिस्प्लेसमेंट मेथड ढूंढता रहता है, कभी ये फॉर्मूला कभी वो फॉर्मूला कभी ये, कुछ था ही नहीं। इवन दैट इसको उन्होंने और प्रिसाइसली डील किया। आईटी में क्या पूछा गया, ये तो नीट वाले लेवल की बताया। आईटी में उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा कि यहां पे एक लाइट सोर्स है। उन्होंने कहा लाइट सोर्स का एरिया ए है, क्या है? एरिया ए। उधर स्क्रीन है और बीच में क्या लगा है? एक कॉन्वेक्स लेंस। उन्होंने कहा कि जब इस कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्वेक्स लेंस से इस लाइट सोर्स का जो इमेज बनता है स्क्रीन पे उसका एरिया ए1 है। फिर लेंस को शिफ्ट किया गया तो अब जो इमेज बनती है उसका एरिया ए2 है। तो बताओ इस लाइट सोर्स का एरिया क्या होगा? यही लॉजिक है। A1 into A2 ये भी लिख सकते हो यहां पे, ध्यान रखना ये जब तुमने लिखा है, मैं इसको थोड़ा हटा के लिख देता हूं कि ये भी वैलिड है। और इसके साथ एक चीज और भी वैलिड है, जरा वो भी ध्यान देना। ये तो लिखा ही जाएगा, मतलब आप लिखोगे H1 into H2 is equal to H square, साथ में A1 into A2 is equal to A square। एक इसका एरिया है सोर्स का या ऑब्जेक्ट का, देख लेना अगर तुम्हें आईडी के पेपर्स में देखोगे तो ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट नॉलेज जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड से। फोकल लेंथ निकाला तो यार हमने दो मिनट में निकाल लिया था, वो तो एक्सपेरिमेंट करके कितना आसान होता है, बट उसमें थोड़ा और आगे जाना। अब तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा कि यू वन को क्या बना दिया है वी टू और वी वन को क्या बना दिया है यू टू, तो चेंज ही नहीं हुआ। अब मतलब ये पता क्यों ऐसा किया, तुम सोच के देखो अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखो फोकल लेंथ का फर्क क्या पड़ेगा, बात तो वही रही ना, समझ आ रहा होगा इसका क्या कोई मतलब नहीं है। मैंने तो ऐसे तुम्हें बताया, तो ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। पक्का बेटा क्लियर हो गया? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड जिससे हमने फोकल लेंथ निकाली प्लस उसके आगे और डील किया। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बताया ताकि आप सब चीजें समझ पाओ। ओके, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चंस तुम इस पे कितने सारे, तुम किसी भी बुक में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे तुम्हें मिल जाएंगे। तो इतना पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब छोटी मोटी कुछ चीजें और समझ लो, मतलब मैं थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले। जैसे मान लो कोई लेंस लिखा है, अब इसकी फोकल लेंथ है f, तो इसकी पावर लिखना, पावर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन f, लेकिन ये किस में होना चाहिए? मीटर। और पावर को डॉक्टर में लिखा जाता है, समझ में आ रहा है ना? तो ये भी याद रखना, कभी ऐसे लिखा हो तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। कटिंग ऑफ द लेंस क्या होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है, देखो मान लो ये लेंस है और इसको तुमने बीच से कट कर दिया और इसको ऐसे बना दिया, एक पोर्शन ये रखा है और एक पोर्शन ये रखा है, ठीक है। अब इनकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ मान लो आपको f दी गई थी, तो बताओ इसकी फोकल लेंथ f डैश हो जाए, इसकी फोकल लेंथ f डैश हो जाए, तो ये f डैश क्या होगा? देख इसको तुम ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट याद रखना अगर दोनों आर्क जो तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ था, अगर दोनों आर्क इन्वॉल्व हो रहे, दोनों आर्क मतलब जैसे अगर तुम इसको कट करोगे ऐसे, मान लो ये बड़ा पार्ट आया ये छोटा सा पार्ट आया, तुमने ऐसे कट किया, ठीक है, तो देख ये भी आर्क आ रहा है और ये भी आर्क आ रहा है, तो फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, फोकल लेंथ वही रहेगी। क्यों यार, अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो 1 अपॉन f डैश लिखोगे तो क्या लिखोगे? म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, क्या प्रॉब्लम है? ये भी ये r2 है और ये r1 है, क्या फर्क पड़ेगा, वही तो आएगा, बस छोटा कर दिया तुमने उसको, काट। अगर छोटा सा भी r रिलेट हो रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर तुम इस तरह से कट करते हो और इसकी फोकल लेंथ f थी, तो इन दोनों की जो फोकल लेंथ तुम f डैश बोल रहे हो वो
वो भी एफ के बराबर होती है अगर ऐसे कट किया गया है। डाउट तो नहीं है ना, ये बात समझ में आ रही? तो कटिंग ऑफ द लेंस का मतलब इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से अगर लेंस को कट किया जाए तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा जरा देखो, दो तरीके होते हैं, एक ये तुम्हें लेंस दिया गया फोकल लेंथ है, इसको ऐसे कट कर दो तो अब ये कैसे बन गया इस तरह का, दूसरा कैसे बन गया इस तरीके का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहे हैं। अच्छा बता, इसका अगर फोकस लिखते तो क्या लिखते, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ये 2 बाई आर हो जाता यार, तब तो डायरेक्ट समझो ना, 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये होता कि नहीं? अच्छा बता, इसका फोकस एफ डैश मान, इसका फोकस लिखोगे और इसका भी फोकस वही होगा एफ डैश, तो जरा देखो इस पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर, क्योंकि एक आर तो क्या हो गया इंफिनिटी, बोलो ना, तो 2 बाई आर नहीं बचेगा। अब देख ये वैल्यू तुझे ऑलरेडी पता है, देखो यहां से इसको इधर ले आओ, तो यहां से क्या लिखोगे, म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एफ, ये देख म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ये चीज क्या लिखी, 1 अपॉन 2 एफ, यानी ये क्या हो गया 1 अपॉन 2 एफ, यानी एफ डैश इज इक्वल टू कितना, तो अगर ये एफ डैश है तो सोच इसकी फोकल लेंथ अगर एफ थी तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो एफ डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 एफ की, 2 एफ का ना, ये प्लेन हो रही है। तो कट करके हम ऐसे लिख सकते हैं लेंस को, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, ओके, कोई समस्या तो नहीं है। और क्या, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, मतलब इनमें कभी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कुछ लोग इसको ऐसे भी डील करते हैं, तुम ऐसे भी एक बात समझ लो, हालांकि इसका प्रूफ में करा दूंगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे ऐसे होता है कि मान लो वो कहते हैं कि दो लेंस बहुत कॉन्टैक्ट में रखे गए, ये मान लो इसकी फोकल लेंथ F1 है और इसकी फोकल लेंथ F2 है, तो बताओ इनके रिजल्टेंट की फोकल लेंथ क्या होगी, बहुत आसान है यार। देखो इसमें क्या होता है, तुम्हें थोड़ा रे डायग्राम समझ लो, मैं दो मिनट में समझा देता हूँ। ये बहुत थिन होते हैं तो इसको सेंटर मान के यहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट करता है ऐसे, और अगर तू यहां से डिस्टेंस कंसीडर कर रहा है, ये यू है, ठीक है, और देख इससे एक रे ऐसे जाएगी, वो कुछ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहती थी, अगर ये लेंस नहीं होता, ये वाला लेंस अगर नहीं होता तो सोच वो रे सीधे निकल जाती, लॉजिकली समझना, ये वाली जो रे आ रही है अगर ये लेंस नहीं होता तो क्या रे सीधे निकल जाती, तो सोच यहां पे इमेज बनती, तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी होती, वी, आराम समझो, लेकिन जब ये वाली रे जो आ रही है ऐसे, वो इस पे जाएगी तो सीधे तो नहीं जा पाएगी ना, तो वो कहीं और कन्वर्स हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस वन, तो सोच यहां एक फाइनल इमेज बनेगी आई, और वो डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाएगी, वी, इसको वी डैश मान लेना, तो ये कितनी हो गई वी। अब सोच पहले वाले लेंस के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाए, केवल फॉर्मूला साइन कन्वेंशन नहीं, तो 1 अपॉन एफ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू, केवल फॉर्मूला लगाए बस, बाकी और कुछ नहीं, ये बात समझे, ये इक्वेशन पर इसका प्रूफ बोर्ड में आता है, वो बहुत डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, बट आप लॉजिक पहले समझ लो, 1 अपॉन एफ2 जब दूसरे वाले के लिए लगाओगे तो सोच उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है ये, और इमेज क्या है ये जिसको तुमने वी डैश माना, तो दैट मींस दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस, समझना जरा, और ये तो तुम क्या रखोगे, ये जो दम आया ये क्या है, ये वाला ये ऑब्जेक्ट था, तो ये है कितना वी डैश 1 अपॉन वी डैश, ये देखो ना ये वी डैश है, या वी डैश लिखते हैं, पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, आप देख इसको उड़ा दो, अगर इनको ऐड करो तो ये उड़ गया, ये दूसरी इक्वेशन, तो क्या बन गया, 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और अगर अब इसके इक्विवेलेंट ये पूरा हम एक ही लेंस मान लें, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती है, और उसकी इमेज पोजीशन को चेंज ना करें और ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज ना करें, और ये इफेक्टिव फोकल लेंथ है, कौन सी फोकल लेंथ है, इफेक्टिव फोकल लेंथ, तो सोच क्या होगा, 1 अपॉन इफेक्टिव फोकल लेंथ एफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यही तो है, इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, 1 अपॉन एफ इफेक्टिव, यार जैसे हमने वो किया था याद है तुम्हें, इफेक्टिव निकालना, जो 10th क्लास में रेजिस्टेंस का निकालते थे वो, तो ये वैल्यू आ, तो
तो अगर दो लेंस कॉम्बिनेशन में रखें तो मैं इसे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 1% कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब कुछ लोग इसको कैसे यूज करते हैं, वो कहते हैं ये दो अलग अलग थे, ठीक है तो उसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो ऐसे कैसे लगा सकते हो, ये बात करके देखो कैसे लगाओगे, जल्दी समझना यार, ये बात समझ में आएगी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट था ऐसे गया, ये लेंस सीधे चली जाती यहां तक अगर ये लेंस ना होता पक्का, तो ये इस वाले लेंस के लिए ये क्या हो रही इमेज। अब ये वाले लेंस के लिए ये जो रे आ रही ये क्या हो रही ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा इस वाले लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो देख ऑब्जेक्ट की जगह मैंने इसीलिए भी दे सकता है, साइन कुछ नहीं लगा, साइन को बात करता हूं और उसका भी ये बन रहा है, दोनों की यूज कर लेगी। तो ये जब कॉन्टेक्ट में दो लेंसेज रखे होते हैं तो ऐसे करते हैं। और जरा देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं, उससे देखो जरा इसके बोगल कितनी मानी तुमने यार, तो ये इफेक्टिव है कि नहीं, एक तरह से दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये तो बन जाएगा। तो जरा तुम देखो 1/f इफेक्टिव हो गया, 1/f' प्लस 1/m' यहां जो चीजें रखी जाती हैं इस जगह पे जो फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट करी है दिस वन, कि ये वन इफेक्टिव लिखा है हमने, तो इफेक्टिव क्या आया जरा देखो 1/f इफेक्टिव is equal to 1/f1 plus 1/f2। ये जो यहां पे वैल्यू रखी जाती है ना, ये अगर कॉन्वेक्स है, अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, साइन के साथ रखा जाता है। अब देख इसकी भी फोकस एफ डैश और इसकी भी फोकस एफ डैश, दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/f' और ये कितना हो जाएगा 1/f, इसको इधर ले इसे इधर ले। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है यार, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आता है पक्का। ये पूरा प्रूव है, इसको आगे मैं कभी कर दूंगा मतलब, लेकिन मैंने प्रूव का एक पार्ट तो मैं बता ही दिया कि तुम्हें करना कैसे, कोई डाउट तो नहीं है ना, पक्का समझ में आ रहा है। दो लेंस कॉन्वेक्स ऐसे रखे जाएंगे तो ये तुम्हें निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कट कर ऐसे करा जाता है, ये भी ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बहुत डिटेल में बताया, ऐसे कट करके ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो इसमें दो तीन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे कैसे, और देखो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बताया जाए कि एक लेंस ये दूसरा लेंस ये, क्या फर्क पड़ता है यार, चल ये बना दिया, इसकी फोकल लेंथ दे दी गई f = 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दे दी गई f = -5 सेंटीमीटर, खत्म। बताओ कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 1/f = 1/10 और प्लस 1/-5, 10 एलसीएम ले लो, यहां कितना बचा 1, यहां कितना बचा -2, दिस इज इक्वल टू 1/f, कितना बचा 1/f = -1/10, f = कितना -10, -10 सेंटीमीटर। अब देख इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या आ रही है -10, इसका मतलब ये जो कंबाइंड एक लेंस बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा डाइवर्जिंग क्योंकि माइनस आ रहा है, सिंपल लॉजिक, कुछ भी बड़ी चीज नहीं पक्का। अब देखो अगर इसमें इन जनरल डील किया जाए तो तुम एक बात और कर सकते हो, कैसे देखो ये बहुत छोटी छोटी बात होती है, इनमें कोई बड़ी चीज नहीं है, पहले वाले को मैं जरा थोड़ा उठाता हूं। अगर तुम ऐसे डील कर रहे थे, ये वाला जो लेंस था आपके पास एक ये और एक ये, थोड़ा समझ लेना ताकि आपको बात समझ आ जाए। सोच इसकी फोकल लेंथ f1 और f2 थी, तुमने क्या निकाला 1/f effective इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप सोच के देख अगर तुमने जो ये डील किया था कि यहां पे एक रे आ रही थी ऐसे, वो ऐसे जा रही थी, अगर उसको आगे बढ़ा दो तो वो ऐसे जाती, यहां पे हमारा बन रहा था i1 लेकिन वो ऐसे न जाके यहां पे मिल जाती है जहां पे मैं मान रहा हूं i, तो ये वैल्यू तुमने यहां से कितनी मानी थी v, और यहां से ये वैल्यू कितनी मानी थी v' और ये वैल्यू कितनी मानी थी u। थोड़ा बात समझना, मैं तो एक छोटा सा पॉइंट लेना चाहता हूँ, ये बात समझ में आ रही। देख अगर ये सब मीटर में लिखे तो बेसिकली ये क्या लिखता है p इफेक्टिव पावर, और ये क्या लिखता है p1 p2। तुम बताओ ऐसे कितने भी लेंस हो सकते हैं, तो बताओ अगर मुझे कोई इफेक्टिव पी लिखना होगा तो मैं उसमें क्या लिखूंगा p1 प्लस p2 .. बट ये सब साइन के साथ होने चाहिए, या तो पॉजिटिव दे दे, पॉजिटिव नेगेटिव होते तो नेगेटिव, पक्का समझ में आ रहा है। तो क्या ये पी इफेक्टिव आ गया, और समझ ये तो पी इफेक्टिव हो गया तुम्हारा, है ना। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जरा पहले वाले लेंस के लिए अगर मैं मैग्निफिकेशन देखूं m1 पहले समझना, तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगी v' u के लिए भी v' बन रहा था। अच्छा m2 कितना होगा, m2 देखो ऑब्जेक्ट इस वाले के लिए क्या m2, अगर इसके लिए तुम m2 निकाल रहे हो तो सोच के देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था v' और इमेज क्या थी v, तो बताओ क्या लिखोगे
v डिवाइडेड बाय v डैस, दोनों को मल्टीप्लाई करें, m1 m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v डैस अपॉन u इनटू v अपॉन v डैस की डैस को लेकर क्या आ गया v बाय u। तो पता कर मैंने का मैग्नीफिकेशन आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या आ गया रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन, जो भी है इफेक्टिव मैग्नीफिकेशन। तो इफेक्टिव मैग्नीफिकेशन किस पे आता है, v बाय u पे। अब ऐसे कितने भी लिखो तो इफेक्टिव अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, m1 into m2 into m3 dot dot mn लिख देना, तो बीच में कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन का भी कर सकते हो, पावर का भी कर सकते हो, इसका पावर निकाल सकते हो, जितना चाहो उतना कॉम्बिनेशन करते रहो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ओके क्लियर हो गया बेटा, ये और देख लो, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जितने चाहो उतने क्वेश्चन में कर सकते हो। जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ये भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, मान लो एक लेंस की इनके बीच की डिस्टेंस दी हो d, इसकी फोकल लेंथ f, इसकी फोकल लेंथ f, इसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी वो भी लिखो, 1 अपॉन f इफेक्टिव, ये भी तुम याद रखना, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 f2, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। आप सोच रहे होंगे ये जो आ गया हमारे पास 1 अपॉन e इफेक्टिव, ये इफेक्टिव है ध्यान रखना, तो 1 upon effective is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2, ये सब साइन के साथ रखे जाने, अगर focal length negative होगी तो negative, अगर focal length positive होगी तो positive, but यानी कि मैं इन दोनों लेंस को हटा दूं, ध्यान से समझो, इन दोनों लेंस को हटा दूं, तो बताओ इतनी focal length का एक लेंस रखूंगा यहां पे पक्का। लेकिन अगर तुम सोच के देखो, प्लीज अंडरस्टैंड करना, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तुम्हारे दिमाग में डाउट डालना चाहता हूं, पहले वो चीज समझना, तुमने कहा कि इन दोनों लेंसेस को हटा और ये इतनी इफेक्टिव फोकल लेंथ का एक लेंस यहां रखो, लेकिन रखोगे कहां पे, यहां यहां कि यहां कहां, क्योंकि ये तो यू दिया गया, ये ऑब्जेक्ट है, अब इमेज कहां बनेगी, तो जो तुमने ये इफेक्टिव लेंस निकाला वहां सिंगल था तो ये बहुत थिन होते थे यार, तो इसको हटा के इसी जगह रख दोगे ना, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसको कैसे तुम इफेक्टिव कहां रखोगे, मतलब तुमने एक बोला चलो भाई इन दोनों को हटाना है और हमें इतनी फोकल लेंथ का एक लेंस यहां लगाना है, बट कहां लगाना है, याद रखना वो कहां लगाया जाता है, ध्यान समझना, उसको मैं बताता हूं, वो लेंस जो इफेक्टिव तुम लगाते हो वो तुम्हें ऐसे बना लो डॉटेड, दिस इज इफेक्टिव, ये इफेक्टिव लेंस है जो मैं डॉटेड बना रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये इफेक्टिव है और इसकी फोकल लेंथ है क्या, वो है एफ इफेक्टिव, ये इससे इस वाले से, प्लीज ध्यान रखना, इस वाले से सपोज ए डिस्टेंस पे लगाया गया और ये जो ए की वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू d into f effective, please understand करना तभी मजा आएगी, divided by f1, तभी तुम्हें exact result मिलेंगे, otherwise नहीं मिलेंगे, मेरा point समझना, तुमने ये दो lens रखे थे, बीच की distance d थी, f1 f2 था, तुमने f effective निकाल लिया, इनका combine, पक्का, यहाँ object रखा था, अगर तुम्हें इन दोनों को use नहीं करना है, effective use करना है, तो वो effective कहीं लगाना पड़ेगा ना, किस position पे रखना है, तो वो सेकेंड वाले लेंस से ए डिस्टेंस को, ओ ए डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डी इनके बीच की डिस्टेंस इनटू जो एफ इफेक्टिव आपने निकाला वो और डिवाइडेड बाय ये पहले वाले का, इतना सेकेंड से डिस्टेंस पे रखा जाए, पता चल जाए, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सिल्वर्ड का पढ़ाऊंगा, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक होमवर्क दे देता हूं तुम करके दिखाना मुझे, ठीक है, देखो मैंने क्या किया, ढंग से बताओ, मैंने कहा कि एक लेंस है, ठीक है, उसको मैंने ऐसे कट किया और ऐसे भी कट किया चार पार्ट में और अरेंज कर दिया ऐसे, समझ आ गया नहीं, पक्का, इसकी फोकल लेंथ एफ थी और मैंने चार पार्ट को करके इस तरह से अरेंज कर दिया, ये चारों पार्ट को करके ऐसे अरेंज कर दिया, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी एफ डैश वो फाइंड करना, ठीक है, अच्छा फिर मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, एक तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ, इस तरह से इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब तुम चाहो तो ऐसे बना लो,
ऐसे अरेंज किया, पक्का कोई डाउट नहीं है। एक ये निकालना है, चारों को ऐसे अरेंज किया, एक ये अरेंज किया, और चलो एक तीसरा कर लो। ऐसे अरेंज किया, ऐसे अरेंज किया, चलो ना छोड़ो उसको रहने दो, ठीक है, इतना करके मुझे बता। ओके बेटा, चलो।